ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से की मुलाकात। राजभर बिरादरी की ये मांग को लेकर पहुंचे थे मिलने। राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद भी थे मौजूद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी उथल पुथल भरा रहा। इस बीच मंगलवार देर रात यूपी की राजनीति में नए बदलाव के संकेत मिलने लगे। दरअसल सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में हुई। बता दें, बीते लंबे वक्त से सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमले करते रहे हैं। वहीं बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उनका रुख बीते दिनों से नरम माना जा रहा है। इस बीच मंगलवार देर रात ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ सीएम योगी से मिलने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर ने मुलाकात के दौरान सीएम योगी से राजभर बिरादरी को एसटी का दर्जा दिलाए जाने को लेकर मांग रखी। सीएम योगी ने सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। सीएम योगी के साथ मुलाकात करने ओपी राजभर के अलावा उनके बेटे अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। वहीं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर अमल कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने संबंधी पत्र दिया। राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया, तत्काल इस मामले में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, राजभर के मुताबिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ये आदेश 11 मार्च 2022 को दिया था, जिसमें राजभर जाति को एसटी में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजभर जाति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसटी में सूचीबद्ध है। राज्य की अष्टम विधानसभा की याचिका समिति द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि राजभर बिरादरी उत्तर प्रदेश में अभी पिछड़ी जाति में सूचीबद्ध है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।